गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू किए जाने के विरोध में डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हुए 2022 से नई शिक्षा नीति लागू करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज के छात्रों का कहना था कि शासन के निर्देशानुसार नई शिक्षा नीति 2022 से लागू करनी है, लेकिन कुलपति महोदय ने उसे अभी से लागू करने की फरमान जारी कर दिए हैं, जिसे छात्रों में काफी आक्रोश है, क्योंकि इतनी जल्दी सेमेस्टर प्रणाली से परीक्षा देना आसान नहीं होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कॉलेज के छात्र सतीश प्रजापति और छात्रा प्रियाधर दुबे ने कहा, मैं सतीश प्रजापति दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज बीए थर्ड ईयर का छात्र हूं। हम लोग नई शिक्षा जो नीति लागू हुआ है, मैं दिग्विजयनाथ के सभी छात्र छात्राएं सबको लेकर, बीए फर्स्ट ईयर वाले को लेकर, माननीय कुलपति महोदय को ज्ञापन के माध्यम से लेकर सब लोग को एक ज्ञापन सौंपने आया हूं। हम लोग का जो नई शिक्षा नीति लागू हुआ है, 5 तारीख तक जो डेट आया है, कुलपति महोदय यहाँ से महाविद्यालय तक पहुँचा है, 20 से 5 तक डेट आया है। 5 तारीख तक वो फार्म फीस उसका जमा होगा, अभी 5 तारीख तक एग्जामिनेशन फार्म में ही जमा होगा। बच्चे 5 दिन में क्या एग्जाम देंगे? और जो कि महाराज जी का महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज प्रोग्राम था, उन्होंने बोला है कि नई शिक्षा नीति 2022 से लागू किया जाएगा, लेकिन ये जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, इन्होंने इसी वर्ष ही नई शिक्षा लागू कर दिया, उसका हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने सभी साथी के घर आया गया और नई शिक्षा नीति का विरोध प्रदर्शन किया। हम लोग का ये मांग है कि नई शिक्षा नीति अगले साल से लागू किया जाए। प्रियाधर दुबे, हम लोग अपने नया शिक्षा नीति के ऊपर धरना दे रहे हैं कि हमको वो मान्य नहीं है अभी, क्योंकि अभी 15 दिन पहले हम लोग का सिलेबस आया है, उसमें कुछ भी तैयारी हम लोग की हुई नहीं है, और उसमें एग्जाम आ जा रहा है कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दें। फर्स्ट सेमेस्टर में जब तैयारी हुई नहीं रहेगी तो हम लोग पेपर क्या देंगे? बच्चे कोई फेल होगा, कोई क्या नंबर पाएगा, कोई परसेंटेज, उसका टीचर जो है वो सिलेबस ही नहीं समझा पा रहे कि क्या बुक क्या बोले, कि बच्चे क्या बुक खरीदे, मार्केट में बुक है ही नहीं, उसका हमारी मांगे भी नहीं पूरी की जा रही हैं।